संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है, अमित शाह की 6 बहनें नहीं है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है, अमित शाह की 6 बहनें नहीं है, क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।